नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कब्ज एक ऐसी आम सी बीमारी है जो हम में से अधिकतर लोगों को होती रहती है। लेकिन दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग ये सोचते होंगे कि आखिर कब्ज होता क्यों है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आज की ये वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर कब्ज की ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कब्ज होना इस बात की ओर इशारा भी करता है कि आप आंत संबंधित बाधा से पीड़ित हैं। जब यह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो व्यक्ति का कई दिनों तक मल त्याग नहीं हो पाता है। इसलिए कब्ज को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। ज़्यादा गंभीर स्थिति होने पर और ऑब्स्टिपेशन कहा जाता है। पेट में कब्ज की होने पर शरीर पर बुरा असर पड़ता है। वैसे तो कब्ज को दूर करने के कई सारी घरेलू नुस्खे और उपाय और दवाइयां भी मौजूद है, लेकिन इसके इलाज के साथ साथ यह जानना भी ज़रूरी होता है कि आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर कब्ज होता क्यों है। तो उन्हीं वजहों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कब्ज होने की मुख्य वजह क्या क्या होती है। तो दोस्तों, इसका पहली जो वजह है वह होती है बुढ़ापा होने की वजह से। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते चले जाते हैं, उनके शरीर में कई सारे ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बुढ़ापा आने पर बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट धीमा हो जाता है और पाचन भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से कब्ज की समस्या होने लगती है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण होता है पानी कम पीने के कारण। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कम मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर बॉडी में जमा पानी की सप्लाई करने लगता है। आपका शरीर सभी सोर्स से पानी सोख लेता है, इसे डैमेज करने की कोशिश करता है और बॉडी से निकलने वाले फालतू पदार्थ इसके मुख्य लक्षण होते हैं, जिसके कारण कब्ज होने लगती है। इससे मल पार्टी या फालतू पदार्थ सूख जाते हैं, जिसके कारण मल त्यागने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब आप धीरे धीरे करके खाना खाते हैं तो खाना जब आंतों से गुजरता है तब मलाशय भोजन से ज़्यादा पानी सोख लेता है, जिसके कारण यह समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए रोज़ाना भरपूर मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। ढेर सारा पानी पीने से कब्ज दूर करने में काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा दोस्तों, लेक्सेटिव्स का सेवन बहुत ज़्यादा करना भी इसका मुख्य कारण होता है। ज़्यादातर लोग मल त्याग को नियमित बनाने के लिए लेक्सेटिव्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। लेक्सेटिव्स आदत में शामिल हो जाता है, जिसका मतलब यह होता है कि आप जितना ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे, अगली बार उतना ही परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको और ज़्यादा मात्रा में इसे लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लेक्सेटिव्स को खाते हैं तो धीरे धीरे करके इस आदत को छोड़ दें। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि लेक्सेटिव्स वह चूर्ण हैं जिन्हें आप बाज़ार से आसानी से खरीद कर लाते हैं, जैसे कि कब्ज को दूर करने वाले किसी ब्रांडेड कंपनी का चूर्ण। यानी कि सीधा सा मतलब है कि मेडिकल की दुकान से कब्ज को दूर करने वाला चूर्ण यानी कि लेक्सेटिव्स को रोज़ाना आप बिल्कुल ना खाएँ। अगर आप इन्हें रोज़ाना खाते हैं तो यह आपकी आदत बन जाएंगे और काफ़ी हानिकारक प्रभाव छोड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कैंसर और दूसरी बीमारियों की वजह से भी कब्ज की समस्या होती है। कई हालात जैसे कि कोलन कैंसर और दूसरी शारीरिक बीमारियां जैसे कि पार्किंसन, डायबिटीज़, हाइपोथायरायडिज्म की वजह से भी कब्ज की समस्या होने लगती है। इस तरह के मामले से बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। इसके अलावा दोस्तों, ख़राब और कम शारीरिक मेहनत वाली लाइफस्टाइल के कारण भी कब्ज होने लगती है। आज कंप्यूटर और मशीनों का युग है, जिसके कारण व्यक्ति की शारीरिक मेहनत कम होने लगी है और लोगों की जीवन शैली भी अनहेल्दी हो गई है। कई कार्यों के लिए शरीर कसरत पर निर्भर करता है, जैसे कि म्यूकस का प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म रेट को तेज बनाना। जब हम शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं तो मेटाबॉलिज्म रेट धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से कब्ज होने लगती है। इसलिए शारीरिक रूप से भी मेहनत करनी चाहिए। अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको कसरत जरूर करना चाहिए। इसके अलावा टॉयलेट जाने की इच्छा होने के बावजूद न जाना, यह भी एक इसका मुख्य कारण है। कई लोग टॉयलेट जाने की इच्छा होने पर उसे कंट्रोल करने की आदत होती है, हालांकि कई बार ऐसे हालत बन जाते हैं व्यक्ति को शौच लगने पर इसे कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमेशा ऐसा ही करते हैं तो इससे कब्ज की बीमारी हो सकती है। इसलिए जब भी आप मल को रोकते हैं तो यह मलाशय के ऊपर चढ़ जाता है और फिर यह पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ स्पेशल दवाइयों का सेवन करना भी इस समस्या को जन्म देता है।
दूध या दूध से बने उत्पादों की वजह से भी यह समस्या होने लगती है। कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है। यह ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति को दूध और दूध से बने उत्पादों से एलर्जी होती है। इस स्थिति में दूध या दूध से बनी चीज़ों के सेवन से डायरिया या कब्ज की प्रॉब्लम्स एक आम तौर पर होती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी पीरियड के कारण भी यह समस्या हो सकती है। गर्भाशय के दौरान गर्भवती महिला में बहुत ज़्यादा हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं, जिसकी वजह से कब्ज की प्रॉब्लम होने लगती है। भ्रूण वृद्धि होने पर पाचन के रास्ते पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से भोजन धीमी गति से पचता है। प्रेगनेंसी में कब्ज को दूर करने के लिए घरेलू नुस्खे को आजमा लेना चाहिए। हो सके तो प्रेगनेंसी में दही जरूर खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मेन सोर्स जानकारी, जिस जो कि दर्शाती है कि आखिर हमें कब्ज होता क्यों है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।